नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर रुड़की हब के लिए एक बार फिर काफ़ी लंबे समय बाद आपके बीच आया हूं। कारण शायद कुछ मित्रों को पता हो, कुछ को ना पता हो, मेरे पिताजी का देहांत हो गया अभी 15 फरवरी को। ब्रेन स्ट्रोक उन्हें हुआ था। इलाज के काफ़ी हमने व्यवस्था की, अच्छे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन होने को जो मंजूर होता है वही होता है। 28 फरवरी को उनकी शोक सभा प्रस्तावित है। और मैं आपको बता दूं कि ये शोक संदेश उसी शोक सभा का है। इसे संबद्ध करते हुए मैं आज आ रहा हूँ रुड़की नगर निगम, नितिन जी मेरे साथी हैं, नितिन कश्यप जी वहाँ दिखाए ऊपर, नगर निगम रुड़की की बोर्ड बैठक आज हुई है। पहली बोर्ड बैठक थी, काफ़ी हंगामा हुआ, अन्य कई कारणों से हंगामा हुआ, सब विषय अलग हैं। बैठक में लगभग 60 से ज़्यादा प्रस्ताव आए और उनमें से अधिकांश प्रस्ताव पास कर लिए गए, पास हुए हैं। ये जो मैंने शोक संदेश वाली बात कही है, 40 पार्षद हैं, एक मेयर साहब हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह दीर्घायु रहें, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन जब राजनीतिक सोच की एक बात है तो मैं समझता हूँ कि जो एक अहम मुद्दा शहर के लिए है उसे लेकर यह सभी पार्षद और मेयर साहब, उनका इस पर कहना क्या होगा, उनका वर्जन क्या होगा, वो तो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन एक शोक की ही स्थिति है एक अहम मुद्दे को लेकर। किस मुद्दे को लेकर, मैं पहले फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि मेरे सभी पार्षद मेयर साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, सबके स्वास्थ्य की दीर्घायु को मैं कामना करता हूँ। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर शोक वाले हालात हैं। जी हाँ, तो ये शोक वाले हालात क्या हैं? दरअसल यह मुद्दा है ऑनलाइन ट्रेड टैक्स का। ऑनलाइन ट्रेड टैक्स यह कोई स्थानीय स्तर पर लागू नहीं किया गया, लेकिन यह प्रदेश सरकार ने जो है लागू किया था और लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया था। इसकी जो मुझे मोटी मोटी जानकारी है वह मैं आपको बता दूं, वह जानकारी यह है कि इसके अंतर्गत यानी जो हाउस टैक्स आप देते हैं या जो आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसका तो आप टैक्स देते ही हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक नाई की दुकान, नाई शब्द को लेकर भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुझे कृपया क्षमा करेंगे क्यों ये शब्द भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी बात विस्तार से समझाने के लिए। अगर कोई नाई की दुकान भी उसमें इस्तेमाल कर रही है उस मार्केट में, तो मार्केट का स्वामी तो उसका व्यवसायिक टैक्स देगा और जो नाई साहब है मेरे भाई बंधु जो भी ऐसे होंगे उन्हें एक लाइसेंस लेना होगा नगर निगम से, उसकी वार्षिक फीस तय की गई है। इसमें बड़े छोटे तमाम व्यापारीगण इसके अंतर्गत आ रहे हैं। यह दोनों व्यापारी नेता आज हमारे बीच में मौजूद हैं, नवीन गुलाटी जी हैं, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आप प्रदेश महामंत्री हैं। नवीन गुलाटी जी, स्वागत है आपका। प्रदीप वर्मा जी हैं, सर्राफा एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रधान हैं रुड़की के। इन्होंने इस मसले को लोकसभा चुनाव के दौरान उठाया भी था। मैंने आपको मोटी मोटी जो मुझे जानकारी है वो आपको दी। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो होकर है, अखबार का जो वितरण करते हैं होकर, वो भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। वो एक लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस के तहत वो एक सालाना शुल्क यहाँ नगर निगम को अदा करेंगे। बड़े लेवल पर पूरे विस्तार से समझाने के लिए जो इसे समझ चुके हैं, प्रदीप वर्मा जी ने तो इसे लेकर लोकसभा चुनाव के समय आंदोलन भी किया था सर्राफा एसोसिएशन के लोगों के साथ, अन्य व्यापारियों के साथ। यह मामला मैं इस मुद्दे को इसलिए अहम मान रहा हूँ कि ठीक है, तमाम अच्छे विकास कार्यों के प्रस्ताव आज पास किए गए, बड़े अच्छे मेयर साहब ने अपने सुझाव रखे, कुछ हल्का फुल्का हंगामा जो भी रहा वो सब अलग चीज़ है। लेकिन यह आप देखिए कि रुड़की शहर की जब बात करते हैं तो मोटे तौर पर 50% से ज़्यादा लोग यहाँ व्यापारी हैं या किसी ना किसी रूप में व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ की दुकान करता है। मैक्सिमम 50% से ज़्यादा यह रेशो, शायद 60% भी हो, हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रदीप वर्मा जी आपका स्वागत करता हूँ भाई जी। धन्यवाद। और आपसे जानकारी चाहता हूँ कि क्या है ये प्रकरण। मुझे जो अफसोसजनक स्थिति लगी कि ठीक है कुछ सभासद नए भी बने हैं जी, शायद उन्हें जानकारी ना हो, और ये दिसंबर में मेरे ख्याल अभी जैसा मेरी यहाँ अधिकारियों से बात हुई ये टैक्स चालू कर दिया गया, अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है लेकिन लागू कर दिया गया है। तो ये क्या टैक्स है? और हमारा जो दुख का विषय है कि ठीक है आप सड़क के प्रस्ताव लाए हैं, आप अन्य विकास कार्यों के, साफ सफाई के, नालियों के, लेकिन क्या 40 पार्षदों को और मेयर साहब को, यह एक अहम मसला है। जब एक छोटे से पर आप ज़्यादा आप बताएंगे कि भी एक जो अखबार बांटने वाला है वो है भी साल के 20-20 हज़ार रुपये तक का शायद है,
वह देगा, एक नाई भी लाइसेंस लेगा और एक अगर ब्यूटी पार्लर है, सर्रा फैशन है, सबके अलग अलग वो कई के तो मेरे ख्याल में 50,000 रुपये साल है। तो क्या 40 पार्षदों में चलिए, जो नए हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं उन्होंने भी इस अहम मुद्दे को यहाँ नहीं रखा। यह मुद्दा रखा जाना चाहिए था। यह तकलीफ अभी नहीं बढ़ेगी, आने वाले समय में तकलीफ बढ़ेगी। तो क्या यह मामला है, आप मुझे ज़रा अवगत कराएं। इस टैक्स को जो नाम दिया गया है ऑनलाइन ट्रेड टैक्स के नाम से, इसे नाम दिया गया है। जी जी, लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले इस टैक्स के जो इन्होंने मार्केट में नोटिस भेजे थे, मेरे पास भी एक नोटिस आया था और उन नोटिसों को लेकर हमारा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन नगर निगम में हुआ था। जी जी। उस समय हमारे विरोध को देखते हुए, चूँकि इलेक्शन पास थे, सभी हमारे जो सम्मानित पार्षदगण हैं वो यहाँ उपस्थित हुए, आमने सामने अधिकारियों से बात हुई, उस टैक्स को उस समय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए थे। लेकिन अभी मुझे फिर जानकारी मिल रही है कि ये टैक्स दोबारा लगाए जा रहे हैं या हमारे ऊपर थोपे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारियों का विरोध ज़बरदस्त होगा, जितना नगर निगम ने नहीं सोचा होगा। जो पार्षद, हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे मेयर साहब या हमारे सम्मानित विधायक जी, व्यापारी हितों को देखते हुए, क्योंकि आजकल मंदे की चपेट में जबरदस्त है व्यापार, जी, 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 चारों तरफ जबरदस्त मंदा है, जी जी, भयंकर स्थिति है व्यापारियों के प्रति। यदि फिर भी हमारे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि है हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो फिर आंदोलन का बिगुल नगर निगम के खिलाफ तो होगा ही होगा, व्यापारियों के विरोध का सामना हमारे जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा जो निर्वाचित हुए हैं। जी जी जी, अब उसमें चाहे फिर वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, मेयर साहब हो, पार्षदगण हो, ने व्यापारियों के विरोध का सामना करने पड़े। कहीं ना कहीं एक दुख है कि आज की बैठक में यह मुद्दा, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ। जब हम लोगों को उस समय भी आश्वस्त किया गया था कि अब ये टैक्स समाप्त कर दिया गया है, देहरादून में भी इसी प्रकार का लगाया था, वहाँ पर भी ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, वहाँ पे ऑर्डर है उनके तो पास। यहाँ क्यों लागू हो रहा है? यहाँ पे जो कुछ अधिकारियों की मिली भगत से और कुछ जो अंदर खाने मैं समझता हूँ, देखिए अधिकारी तो एक शासन का आदेश आया, जी, शासन का आदेश जी, आया जी, देहरादून स्तर पर शासन वहीं बैठा है, निरस्त हो गया जी। लेकिन अधिकारियों से वही चीज कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी ने स्तर पर तो उन्हें जो एक शासन से आदेश मिला उसे वो फॉलो करेंगे, उनकी मजबूरी है, लेकिन उसका उसमें अमेंडमेंट संशोधन या उसे निरस्त करना, ये जनप्रतिनिधि का। यही मैं कहना चाह रहा था, हमारे जनप्रतिनिधियों को व्यापारियों के प्रति देखते हुए, मंदे को देखते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए आज इसका विरोध करना चाहिए था, उसको निरस्त कराना चाहिए था, मतलब बोर्ड में ये प्रस्ताव होना चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से निरस्त हो। जी जी जी, मैं यही पूछ, हमें दुख है इस बात का कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे रुड़की के विधायक इस बात को लेकर आज तक सजग नहीं हुए, क्योंकि जब ये मामला हुआ था मैंने सबसे पहले उन्हें इस बात की सूचना दी थी कि हमारे ऊपर ये इस तरह से टैक्स लगाया। जनप्रतिनिधि चाहे वो पार्षद हो चाहे मेयर हो, जनप्रतिनिधि, चूंकि नगर निगम से जुड़ा मसला है तो जो पार्षद हैं और मेयर साहब है, एक तो पहली जिम्मेदारी उनकी है, विधायक जी की भी है, ये तो सांसद जी की भी है, लेकिन सांसद जी चूंकि केंद्रीय मंत्री है जो उनका ज्यादा यहाँ इतना भी टचअप नहीं रह पाता। खैर, नवीन गुलाटे जी स्वागत है आपका, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? आपने भी इस मसले को, क्योंकि आप कागजी लिखत पढ़त में लगे रहते हैं, इस तरह के मामलों को उठाते हैं, मेरी भी जानकारी में आपसे ही आया था शुरू में यह मसला, तो क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? तोमर जी, सबसे पहले तो मैं एक शोक संवेदना अपनी आपके लिए व्यक्त करनी चाहूँगा, आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आपने एक पुत्र के नाते जितना भी हो सकता था कहीं से उसमें कोई कमी नहीं रखी, मैं देख रहा था इस चीज़ को भी। और रही बात ऑनलाइन ट्रेड टैक्स की, तो ऑनलाइन ट्रेड टैक्स के बारे में जितना बताया मेरे भाई छोटे भैया ने, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धे की बात तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये था कि जो हमारे मेयर साहब हैं वो भी व्यापारी वर्ग से ही आते हैं, तो वो भी इस व्यापारी वर्ग की भावना को समझेंगे। मुझे लगता है छोटी इंडस्ट्री उनकी भी है, जी उनकी भी घर में है, फिर तो उन पर भी लागू होगा, तो बिल्कुल उन पर भी लागू होगा, हमारे विधायक जी पर भी लागू होगा, और जो जनप्रतिनिधि रुड़की में बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं हमारे जो कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं, और बहुत बड़ी जनता रुड़की की लगभग 50% ऐसी है जो कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप से व्यवसायिक हित में अपने काम कर रही है। अब इसमें जो ऑनलाइन ट्रेड टैक्स के बारे में जो मैंने जानकारी जहाँ तक मेरी है, इसमें 23 दिसंबर को ये लागू किया गया और इसको नगर निगम ने एक विज्ञप्ति के द्वारा दिखा दीजिए, एक विज्ञप्ति के द्वारा अखबारों में छपवा दिया कि हम इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ऑनलाइन करने जाने के साथ साथ उन्होंने इसमें कुछ और एक ऐसे नियमों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे कि मेयर साहब को या
SNA साहब को या MNA साहब को या इनके द्वारा किसी भी अधिकृत कर्मचारी को आपकी दुकान में आपके प्रतिष्ठान में इंस्पेक्शन का आधार होगा। मतलब जिस इंस्पेक्टर राज से हमेशा से हम लड़ते रहे वो एक हमारे लिए एक नया काम और शुरू होने जा रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ आपकी बात रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये शासन स्तर का भी मामला है, हम नगर निगम के अधिकारियों को इसमें दोष नहीं दे सकते। एक शासन से जो एक जारी हुई अधिसूचना, वो तो उसके क्रम में अपना काम करेंगे जी, उसके रिगार्डिंग। लेकिन ये, काम ये, असली तो जनप्रतिनिधियों का है ना, इसलिए है क्योंकि आपको मैं शायद आपकी जानकारी में बता दूं कि मेरी इस बारे में SNA साहब से पूरी वार्तालाप हुई थी और उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जब तक हम आप लोगों के बीच में एक अगर पूरा इसको निगम की तरफ से नहीं रखेंगे, हम इसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। और मेरी जानकारी के हिसाब से इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसको लागू करने जा रहे हैं। फिर वही कह रहा हूँ, देखिए, एक कोई भी शासनादेश होता है, वह यह MNA मैम है या जो MNA सर जो भी रहे या SNA है, उनके शासनादेश वो नहीं जारी करते। ये मैंने पढ़ा है, शहरी विकास मंत्रालय का ही शासनादेश है, उसे यहाँ वो यहाँ पहुँचा, उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्हें गाइडलाइन मिलेगी शासन से। तो ये कहीं ना कहीं शासन का मसला है ना, शासन पर, शासन से कोई अमेंडमेंट कराएगा। संदीप जी, जो भी शासन से अमेंडमेंट कराएगा, हम अपनी बात जब शासन ने उनको दी और उन्होंने आके हमसे बताई, तो हम भी तो उन्हीं से उसी थ्रू से वहीं उसी चैनल से चलेंगे ना। कहीं ना कहीं जो आज जनप्रतिनिधि थे जी, जो जनप्रतिनिधि हैं या थे, से मेरा मतलब बैठक में थे, 40 पार्षद थे, मेयर साहब थे, उठाना चाहिए था ये बात को किसी भी तरह से। जैसे बिल्कुल दुख का विषय है, मैं वर्मा जी की बात से 100% सहमत हूँ। जब देहरादून नगर निगम के अंदर इसको वापस ले लिया गया है, तो क्यों कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की इंतजार की जा रही है? मेरा तो वही जैसे बरवा जी कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विधायक जी की भी है, बिल्कुल शासन में से रखें, बिल्कुल, और मेयर साहब भी रखें, बिल्कुल। तो यही आप इसमें कहना चाह रहे थे। तो देखिए साहब, ये कहीं ना कहीं एक दुख का विषय मान रहे हैं कि इस मसले को जो है ना, तो आज बोर्ड में उठाया गया, उम्मीद की जा सकती है, अभी 40 में से अधिकांश पार्षद नए हैं, कुछ पुराने हैं जिन्हें शायद अभी उन्हें भी इसकी इतनी जानकारी ना हो, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, यह मुद्दा ऐसा है कि मेयर साहब जो गौरव गोयल जी हैं, उन्हें बिल्कुल निश्चित रूप से इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं या तो इसमें छूट देनी होगी या इसे समाप्त कराना होगा, जैसा मंदी के हालात आप बता रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा मुद्दा कल बनेगा और हमने जरूरी समझा इस अहम मुद्दे को आज इस आपके सामने रखना, क्योंकि 40 पार्षदों में नए पुराने या मेयर साहब, किसी ने भी आज इस मुद्दे को यहाँ नहीं रखा, यह मुद्दा था। इस मुद्दे पर क्योंकि जनहित के मुद्दों की मुहिम हम चला रही हैं रुड़की हब के जरिए, यह मुहिम हमारी जारी रहेगी, इस अहम मुद्दे को भी हमने उठाना इसीलिए जरूरी समझा। धन्यवाद मेरे प्यारे रुड़की वासियों।